15 दिन पहले कोरोना जिहाद जैसा शब्द कोई सोशल मीडिया पर लिखता तो लगता किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन 31 मार्च 2020 की तारीख ने ऐसा टाइम भी देखा जब ट्विटर पर यह शब्द काफ़ी ट्रेंड करने लगा। इसकी वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में हजारों लोग शामिल हुए, विदेशों से भी लोग आए हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए 6 लोगों की 30 मार्च को तेलंगाना में मौत की खबर आई। जब बिल्डिंग खाली कराई गई और जांच हुई तो 24 और लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैल गई और लोगों ने चीन के अलावा तबलीगी जमात पर भी सवाल उठाने लगे, जिसके बाद #coronajihad# चल गया और ये कुछ देर टॉप ट्रेंड में भी रहा। एक ने ट्विटर पर लिखा, ऑफ कोर्स इट इज #coronajihad, तो दूसरे ने लिखा, इफ दे कैन इंकरेज कम्युनिटी ट्रांसमिशन देन व्हाई कांट वी इंकरेज कम्युनिटी बॉयकॉट ऑफ देम #coronajihad, तो तीसरे ने ट्वीट किया है, जैसे मानव बम में लोगों को उड़ाने के साथ जिहादी खुद भी अपने को उड़ा लेता है, उसी तरह ये थूक जिहाद है। पहले जमात में जाकर कोरोना संक्रमित हो जाओ, फिर थूक थूक कर कोरोना फैला दो। थूकने के खिलाफ भारत में कोई कड़ा कानून नहीं है, इन्हें मालूम है #ChineseVirusCorona। तो चौथे ने लिखा, देश के खिलाफ शांति दूतों का बड़ा संयंत्र #coronajihad। इस बार शांति दूतों ने सरकार को पूरी तरह चूना लगाकर #coronajihad को अंजाम दे दिया है। सरकार ईरान इटली जैसे देशों से स्पेशल विमान से मुफ्त में जिन शांति दूतों को ले आए हैं उन लोगों ने भी इस #coronajihad को अंजाम दिया है। कोरोना वायरस को लेकर बजाय घर में क्रिएटिव काम करने या जागरूकता फैलाने के लोग तरह तरह के शब्द सोशल मीडिया पर लिखने लगे। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के समय किसी भी एक जगह पर धार्मिक आयोजन के नाम पर इस तरह इकट्ठा होकर वायरस को फैलाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हमने विदेशों के ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां फुटबॉल के मैच या किसी स्की रिजॉर्ट में भीड़ का जुटान हुआ और बाद में वायरस हजारों लोगों तक पहुंच गया। ऐसे सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, तो हमें उनसे सबक लेना चाहिए। ये लापरवाही नहीं है, बल्कि ये लोगों की जान की परवाह न करने जैसा अपराध है। सरकारें जांच करेंगी, पुलिस तलाशेगी, जो जिम्मेदार हों उन्हें किन्हीं हाल में न छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के चलते घर पर बैठने के बाद भी हम पर और आप पर खतरा बढ़ रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।